अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हम जॉइंट फैमिली से हैं और कुछ क्लिप्स शेयर की मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में, बच्चों के साथ कुछ स्पेंड किया हुआ टाइम। तो मैंने टिकटॉक पे बच्चों के जाने की वीडियोस लगाई तो काफ़ी लोगों ने बोला कि क्यों आपने इतना पिट स्यापा डाला हुआ है अगर बच्चे जा रहे हैं। तो मेरा रोना आ गया था, मतलब कि सबको आ गया था। एक बंदा 8-9 साल से एक जगह, एक घर में, एक रूम में, एक किचन में रह रहा हो, तो वो जब सेपरेट होते हैं तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि बच्चे अपने बाप के पास सही सलामत पहुंच गए हैं। तो यहाँ हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे और हमने निकलना था रात के 2 बजे। तो जैसे कि सबको पता है, इमरान खान को गोली लगी थी और उसकी वजह से रोड्स ब्लॉक हो रही थी, तो हमें जल्दी निकलना पड़ा। रात के 2 बजे निकलना था तो हमको 7 बजे निकलना पड़ा। जो खाना वगैरह जो भी बनाया था मैंने साथ ही पैक कर लिया और हम तैयार होके गाड़ी में बैठ गए। फिर थोड़ा टाइम गुजरा, सबको भूख लगी, तो हमने गाड़ी में बैठ के खाना खाया। पैक इसलिए किया था कि अगर रोड्स ब्लॉक हैं, हमने जल्दी पहुँचना भी है, क्या पता होटल्स वगैरह भी खुले होंगे कि नहीं। तो हम आराम सुकून से आए, कोई रोड्स वगैरह बंद नहीं थी। तो मेरे बेटे को बुखार था बहुत सख्त, तो यहाँ से अलकोट हम पहुँच गए थे और बाइक के फ्रेंड के घर हम स्टे कर रहे थे। यहाँ सुबह 6 बजे उठ के हमने नाश्ता किया और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। तो ये सियाम अली बाजी का छोटा बेटा, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया मैंने, अपने बच्चे दे दिए अपने हस्बैंड को। मैंने कहा आप पकड़ें, मैं इन बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। थोड़ा सा ही टाइम रह गया था हमने इकट्ठे, थोड़ा और। हाँ, बहुत मुश्किल वक्त था ये, क्योंकि जब आप सारे इकट्ठे रह रहे हों, दिन रात आपकी इकट्ठी हो, फिर एकदम से एक दूसरे से दूर जाना मुश्किल काम था। बच्चों का तकरीबन टाइम जो है ना इकट्ठे गुजरता था। और हमारे घर में सिस्टम ये था कि बच्चों को ज़रूरी न था होता कि उनकी अपनी माँ ही उनको देखे, उनको जो भी सामने हो, जो भी किचन में हो, वही बना के देगी उनको। मतलब अपनी माँ को ढूंढते नहीं थे। अगर मेरे बच्चे बाजी किचन में है तो वो उनको बोल देते थे, अगर मैं किचन में हूँ तो उनके बच्चे मुझे बोल देते थे। हमारा टाइम ऐसे गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजर गया। लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ तो होती रही छोटी मोटी, वो तो बहनों की भी होती हैं। बाजी अगर आप ये व्लॉग देख रही हैं तो मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ और बच्चों को भी। तो यहाँ हम लगे हुए थे मस्तियाँ कर रहे थोड़ी देर के लिए। हमने कहा छोड़ो सैड होने को, बाद में जो रोना है अभी थोड़ा सा हंस लेते हैं। तो हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सारे सो गए थे। मुंतहा, इफ़ यू आर वॉचिंग यू गना बी एंग्री, आप गुस्सा होने वाली हो, आपकी ये वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी। एयरपोर्ट पहुँच गए थे, मैं अपनी मानों का हाथ पकड़ के जा रही थी, बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था क्योंकि बस छूटने वाला था ये हाथ। चले एयरपोर्ट पहुंच गया और ये मेरा बेटा एयरपोर्ट देखते ही रोना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये अपने भाइयों के साथ, अपनी मामा के साथ बहुत 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 ज़्यादा अटैच था। सारा दिन इसका गुजरता ही उन्हीं के साथ था। मैं नीचे होती थी, हानिया और अजलान को देखती थी और ये अपने इन बहन भाइयों के साथ ही रहता था। तकरीबन इनका टाइम इकट्ठा गुजरा है। थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी उसके लिए, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा, और मुझे भी बहुत मुश्किल लग रहा था ये टाइम। बस अल्लाह ताला इनको हैरिस से अपने घर पहुंचा दे। ये चाचू की लाडली बेटी है, लाडली बेटी, एक सोच लें कि आप, बहुत ज़्यादा लाडला जो होता है ना, ये वो है। ड्रेस अब भी चाचू ने इसको किया हुआ है। इसको अगर कोई डांट भी दे ना तो मेरे हस्बैंड बहुत नाराज़ होते हैं उस पर। मतलब मुंतहा को कोई भी नहीं डांट सकता घर में, वो खुद भी नहीं डांटते होते, बस बहुत लाडला रखा हुआ था उन्होंने इसको। और आज वो बिल्कुल उसको बेच के टूटे हुए थे एक किस्म के, बहुत मुश्किल से मैंने उनको संभाला। इतने रोते नहीं होते पर आज उनका रोना बंद ही नहीं था हो रहा, बच्चों की तरह रो रहे थे और बस स्टिल बच्चों की तरफ देखे जा रहे थे कि वो जा रहे हैं। घर आके भी बहुत रोए हैं, बहुत मुश्किल से मैंने इन दोनों को संभाला।
यहाँ तो मैं खुद भी रो रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि जब श्याम पैदा हुआ था तो वो सबसे पहले मैंने उसको उठाया था, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा। बहुत मुश्किल टाइम था ये वाला हमारे लिए। बस वो अपनी लाइफ में जा रहे हैं, हम अपनी लाइफ में, एक किस्म के हम जॉइंट फैमिली में से सेपरेट हो गए हैं। वो अपनी ज़िंदगी के लिए जा रहे हैं, हम यहाँ अपनी लाइफ में। बस अल्लाह ताला हम दोनों फैमिलीज़ को खुश रखें, सुकून दें। सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने फादर के पास जा रहे हैं, अपने बाप के पास जा रहे हैं। यहाँ से वापसी के वक्त बस दिल ऐसे था जैसे चीरा हुआ दिल नहीं होता, टूटा हुआ। सेम वही कंडीशन थी। और मैं आइंदा कोई नहीं आने वाली एयरपोर्ट किसी को छोड़ने के लिए, क्योंकि घर से फिर बंदा भेज के इधर उधर कोई काम वगैरह में बिज़ी हो जाता है। पर अगर आप वापसी पे सफ़र करने लगे हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेने के लिए आ जाया करूँगी, छोड़ने कभी भी नहीं आना मैंने, क्योंकि बहुत मुश्किल था हमारे लिए और अब्दुल हादी के लिए, क्योंकि इसके भाई चले गए। अब देख सकते हैं वो कैसे अकेला अकेला जा रहा है। हानिया और रजलान के साथ इतनी बनती नहीं है इसकी, बस मुस्तफ़ा और सयाम के साथ ये रहता था। तो हम वापसी के लिए बैठ के गाड़ियों में, तो अभी बाजी की कॉल नहीं आई तो अबू बाजी की चादर संभाल रहे थे और साथ रो रहे थे। बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि अंदर से कॉल आए कि सब कुछ क्लियर है तो हम वापस जाएं। तो ये हम वापस बैठ गए गाड़ी में, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई तो ये कंडीशन हो गई थी। क्यों क्या कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे अपने फादर के पास इतने रहे नहीं है, ज़्यादा रहे वो हमारे पास हैं। उनकी खुशी गमी हमने देखी है, उनके बाप ने बहुत कम देखी है।
पर देसी की लाइफ ही ऐसी होती है कि अपने बच्चों की खुशी गमियों में शामिल नहीं हो सकता, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे गए हैं अपनी फैमिली में, बाजी गई हैं अपने शोहर के पास। इस चीज़ की भी खुशी है, पर थोड़े दिन लगेंगे एडजस्ट करने में। एकदम तो नहीं होता सब कुछ। लोग बहुत ज़्यादा वो कह रहे थे ना कि क्या हो गया आप, क्यों आप लोग काली बिल्ली बन रहे हैं रो रो के। तो लोगों का क्या पता कि हम कैसे हम जुदा हुए हैं। खैर, लोगों की बातें हैं, उन्होंने करनी होती हैं। उनको अंदर के हालात तो नहीं ना पता होता कि क्या है, उन्होंने बस मुंह फाड़ के बातें ही करनी होती हैं जो वो करते हैं। हम जहाँ जाते थे इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे वापस आते थे, इकट्ठे खाते थे। अगर चीज़ें आ रही हैं तो सब बच्चों की इकट्ठी। तो यहाँ हम वापसी पे खाना खाने लगे थे, अजलान को बहुत तेज़ बुखार था, हमने उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में रखा, बहुत लेट हो गए थे हम। तो वापसी पे फिर हम सो गए क्योंकि 7 बजे हम निकले थे, और ये बाकी फिर रात को 2 बजे भाई के फ्रेंड के घर सो गए थे। मैं नहीं सोई क्योंकि अजलान को बुखार था और सारी रात मैं उसके साथ जागती रही हूँ, तो यहाँ पे मैं सो गई और हम फिर घर गए। हम घर 3 बजे पहुँचे और 4 बजे बच्चे सोदिया पहुँच गए थे, और ये इनकी खुशी देखें। जब इनको देखा तो दिल मुतमिन हो गया कि ये भी तो देखे ना हम के बच्चे खुश हैं अपने बाप के पास। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही खुश रखें, सलामत रखें। और बाजी को भी, बाजी ने भी मतलब कि भाई शादी के बाद जल्दी सऊदीया चले गए थे, आफ्टर 13 ईयर उन्होंने अपनी फैमिली साथ रखी है, और ये चीज़ देख के सबसे ज़्यादा खुशी फील हुई है कि ये फैमिली कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे वो सऊदीया पहुँच गए थे और खाना वगैरह खा रहे थे, हम लगे थे सोने, हमारी रात हो गई थी और ये सो नहीं था रहा, इसको अपने भाई याद आ रहे थे क्योंकि इस टाइम ये सारे भाई खाना खा के गेम खेलते थे, पबजी वगैरह, फ्री फायर इकट्ठे खेलते रहते थे, मस्तियाँ करते थे और फिर सोते थे। उसको सारी मोमेंट्स याद आ रही थी। बस डर ये है कि ये बीमार ना हो जाए क्योंकि इसका दिल कहीं भी नहीं लग रहा, इसको आगे पीछे लेके जाने की कोशिश करें, बस इसको हर चीज़ में अपने भाई याद आ रहे हैं। अल्लाह ताला इसको सब्र दें और भाइयों से जल्दी मुलाकात करवाएं, और उनको भी अल्लाह ताला खुश रखें। हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा है, 9 ईयर्स हमारे गुजरे हैं इकट्ठे, तो मुश्किल हुआ है, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।